गुरुग्राम में मौसम का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब गुरुग्राम में सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम प्रत्याशी धरातल पर उतरकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे ही गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल पाजीलपुरिया ने मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बीते 10 सालों में गुरुग्राम में कोई विकास नहीं हुआ, यहां तक कि 2009 के बाद से एक भी नया मेट्रो पिलर गुरुग्राम में नहीं लगाया गया। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा और झाड़सा गांव ने जो तहे दिल से मेरा स्वागत किया, जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, मेरी जो माताओं ने आज कलावा बांध के अपना विश्वास दिखाया है, मैं इनको कहना चाहूँगा कि विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, ये आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इसे मैं जब तक मेरे अंदर सांसें चलती रहेंगी मैं आप लोगों की रक्षा करूँगा। मुद्दे मैं बताना चाहूँगा कि आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमारे पास वो मूलभूत सुविधा नहीं है जो आम आदमी के पास होनी चाहिए। बड़े मुद्दे बड़ी योजनाओं के ऊपर तो बाद में बात करें, 2009 के बाद मेट्रो का एक पिलर आगे नहीं बढ़ा। हमारे पास सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, बच्चों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, ये तो मेन चीज़ें होती हैं। पिछले 75 साल में पूछना चाहूँगा हमारे आदरणीय सांसद साहब से, उन्होंने क्या किया। दरअसल राहुल फाजिलपुरिया आज अपने चुनावी प्रचार के दौरान गुरुग्राम के झाड़सा में पहुंचे, जहां भारी संख्या में झाड़सा गांव और आसपास के इलाके के लोग पहुंचे, तो वहीं महिलाएं भी भारी संख्या में पहुंची, जहां लोगों ने राहुल फाजिलपुरिया का स्वागत किया, तो वहीं राहुल फाजिलपुरिया ने भी लोगों का विश्वास दिलाया कि अगर लोगों ने उनको मौका दिया तो वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ ही उन्होंने मौजूदा सांसद और भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा। बड़ी योजनाओं की बात करें तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, मेट्रो का पिलर आगे नहीं बढ़ा है, कोई पुराने गुड़गांव के अंदर ना कोई फ्लाईओवर है ना कोई अंडरपास है, बारिश आती है तो पूरा गुड़गांव डूब जाता है, सबको घर में बंद रहना पड़ता है। समर्थन आप लोगों के सामने है, आशीर्वाद दे के हौसला बढ़ा के ये तो एंट्री का हाल है, हर गांव के एंट्री पे कूड़ा डालने का काम कर रहे हैं और उसको जलाने के बाद धुआं जो निकल रहा है उसे कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। कहना चाहूंगा कि इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा और एक युवा कर सकता है, वो बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं कर पाए। जनता से यही है कि अब की बार बदलाव के लिए युवा चुने, बूढ़ी गाड़ियों का पीछा ना करें। बहरहाल एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चल पाएगा कि दिल्ली तक का सफर कौन तय कर पाता है।